वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप। आइसोटोप का वर्ड सबसे पहले सोडी ने यूज किया था। दी वर्ड आइसोटोप वाज फर्स्ट यूज बाय सोडी। और आइसोटोप एक ग्रीक वर्ड है। इट इज अ ग्रीक वर्ड। आइसोस मीन्स सेम एंड टोप मीन प्लेस। आइसोस की मीनिंग होते हैं सेम और टोप की मीनिंग होते हैं प्लेस। यानी आइसोटोप की मीनिंग हुए सेम प्लेस या सेम पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन होती है या सेम प्लेस होती है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जहां पे हाइड्रोजन की पोजीशन है, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप की पोजीशन भी वहीं पे होती है। और आइसोटोप्स को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। यानी आइसोटोप किसी भी आइसोटोप सेम एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप का नेम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स गिवन है। एक आइसोटोप है H11, एक आइसोटोप है H12 और एक आइसोटोप है H13। ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं और इन तीन आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। लेकिन अगर हम इनके मास नंबर्स की बात करें तो इन तीनों के मास नंबर्स डिफरेंट है। इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। और ये तीनों आइसोटोप सेम एलिमेंट के, यानी एक ही एलिमेंट के ये तीनों आइसोटोप है। ये तीनों सेम आइसोटोप है, तीनों जो है वो सेम एलिमेंट के आइसोटोप है हाइड्रोजन। और एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर का नेम देते हैं। और मास नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि किसी भी आइसोटोप का जो एटॉमिक नंबर होगा उस आइसोटोप के पास उतनी प्रोटॉन्स होंगे। इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इट्स मीन कि इन तीनों के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और H11 के केस में ए जो है 1 की इक्वल होगा और H12 के केस में ए 2 की इक्वल होगा, क्योंकि ए मास नंबर है और इस आइसोटोप का मास नंबर 2 है। और H13 के केस में ए 3 के इक्वल होगा। और एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन तीनों आइसोटोप के केस में जी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, क्योंकि जी जो है ये एटॉमिक नंबर है और आइसोटोप के एटॉमिक नंबर्स जो है वो सेम होते हैं। इन सब का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इन सब के केस में जो है वो जी 1 1 1 के इक्वल आएगा। और एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं। यानी कि इन तीनों आइसोटोप के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इक्वल है। पी प्रोटॉन को हम पी प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस H11 के केस में जो है वो P1 की इक्वल होगा, यानी इसके पास एक प्रोटॉन है। और इसके केस में भी P1 की इक्वल होगा और H13 के केस में भी P1 की इक्वल होगा। उसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अगर इन तीनों आइसोटोप्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये तीनों एटम्स न्यूट्रल है और न्यूट्रल एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है A-G। ये यहाँ पे मास नंबर है और जी जो है ये एटॉमिक नंबर है। और ये फॉर्मूला आपने चैप्टर 1 में किया था। अब अगर हम H11 के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। H11 के केस में A की वैल्यू भी 1 है और G की वैल्यू भी 1 है, यानी A भी 1 है, G भी 1 है, तो 1-1 करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम H12 के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। H12 के केस में A की वैल्यू 2 है और G की वैल्यू 1 है, 2-1 तो आंसर आएगा 1। उसके बाद H13 के केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे। H13 के केस में A की वैल्यू 3 और G की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 3-1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा।
अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि आइसोटोप की सिर्फ पोजीशन ही सेम नहीं होती, बल्कि आइसोटोप के एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, और आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। आइसोटोप में डिफरेंट चीज क्या होती है, आइसोटोप के मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं, इसके अलावा आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होती है, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी आइसोटोप हैं सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाई थी, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1, ये थी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 नहीं होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है, इसकी भी 1s1 है, और इसकी भी 1s1 है, क्योंकि इन तीनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, और आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी सिमिलर होती है, आइसोटोप्स आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, और आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। उसके बाद इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करती है, बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन मास नंबर्स, और इन तीनों के मास नंबर डिफरेंट है, आइसोटोप के तो मास नंबर होती ही डिफरेंट है, इसलिए उनकी उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं उन सब के आइसोटोप्स होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आइसोटोप नहीं होते, इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स हैं उन सब के आइसोटोप्स होते हैं।